हेलो दोस्तों, मैं रमेश आप सभी को रमेश रंजन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम यहां लेकर के आए हैं आधुनिक भारतीय इतिहास का गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायस राय से संबंधित उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को जो आगामी संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाले परीक्षाओं हेतु अति महत्वपूर्ण है। यह इस कड़ी में दूसरा वीडियो है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय से। ठीक है, आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस बार कोड को स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? ऑप्शन ए है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है विलियम बेंटिक या ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम बेंटिक। आइए इसे विस्तार पूर्वक जानते हैं। राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिक को इस प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी। बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों ने इनका समर्थन किया और विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। दिसंबर 1829 के नियम 17 के द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया और 1830 में यह नियम बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर है सी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो जैसा कि अभी पढ़ा था हमने, विलियम बेंटिक ने, है ना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम बेंटिक ने। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? 1825 में या 1827 में, सी ऑप्शन है 1829 में या डी ऑप्शन है 1830 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1829 में। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? ऑप्शन ए 1764 में, ऑप्शन बी 1789 में, ऑप्शन सी है 1858 में या ऑप्शन डी 1868 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1789 में। 1789 ईस्वी की घोषणा द्वारा बंगाल से दासों को निर्यात बंद कर दिया गया था। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? ऑप्शन ए अपहरण की नीति द्वारा, ऑप्शन बी युद्ध द्वारा, ऑप्शन सी सहायक संधि द्वारा या ऑप्शन डी कुप्रशासन के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुप्रशासन के कारण। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत किए गए प्रदेश में 17 1848 में, जयपुर एवं संबलपुर 1849 में, बगहात 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1854 में, नागपुर 1854 में तथा करौली 1855 में सम्मिलित किए गए थे। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बगहात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 50 में, 1850 में, जैसा कि अभी हमने देखा। अगले प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था, ये कब हुआ था? ऑप्शन ए 1853 में, ऑप्शन बी 1854 में, ऑप्शन सी है 1855 में या ऑप्शन डी 1856 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1856 में, जैसा कि अभी हमने एक्सप्लेनेशन में देखा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित तो राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है सतारा, दूसरा है झांसी, तीसरा है बगहात और चौथा है उदयपुर। तो इसे कूट की सहायता से सजाना है। ऑप्शन ए में दिया है 1 4 3 2, ऑप्शन बी में है 3 1 2 4, ऑप्शन सी में है 1 3 4 2 और ऑप्शन डी में है 2 4 1 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी,
सी, एक तीन चार दो। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? 1849 सतारा का विलय, 1848 पंजाब का विलय, 1856 अवध का विलय, या 1855 झांसी का विलय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1856 अवध का विलय। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजन एवं क्रियान्वित की? ऑप्शन ए है वेलेजली, ऑप्शन बी हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है डलहौजी, या ऑप्शन डी क्लाइव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डलहौजी ने। ठीक है, आइए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? तो ऑप्शन ए है अवध, ऑप्शन बी है सतारा, ऑप्शन सी है नागपुर, या ऑप्शन डी सतारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवध। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। पहला है झांसी, दूसरा संबलपुर, तीसरा है सतारा। ऑप्शन ए में है 1 2 3, ऑप्शन बी में है 1 3 2, ऑप्शन सी में है 3 2 1, और ऑप्शन डी में है 3 1 2। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 2 1, पहले सतारा, फिर संभलपुर, उसके बाद झांसी। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी सतारा, ऑप्शन सी करौली, या ऑप्शन डी संभलपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सतारा। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड नॉर्थ, या ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। 1848 में लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसका वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयूज ब्राउन रैमजे था। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड एलेन बरो के समय, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग के समय, ऑप्शन सी लॉर्ड ऑकलैंड के समय, या ऑप्शन डी लॉर्ड एम्सहर्स्ट के समय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड एलन बरो के समय। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो के काल 1842 से 1844, इनका कार्यकाल 3 साल ही रहा था, के दौरान अगस्त 1843 ईस्वी में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रमुख परिणाम था। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया कब किया था, यह बताना है। ऑप्शन ए है 1843 में, ऑप्शन बी है 1845 में, ऑप्शन सी है 1849 में, या ऑप्शन डी 1854 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1843 में। अगला प्रश्न है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? ऑप्शन ए है लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी, या ऑप्शन डी लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। सिक्किम, जो नेपाल और भूटान राज्यों के मध्य स्थित एक छोटा सा राज्य है, उसके राजा पर यह दोष लगाया गया कि उसने दो डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में उस राज्य के कुछ दूरवर्ती प्रदेश, जिसमें दार्जिलिंग भी सम्मिलित था, को भारत में मिला लिया गया। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? ऑप्शन ए है जेम्स ऑट्रम, ऑप्शन बी है डब्लू एच स्लीमैन, ऑप्शन सी है बिशप आर हेबर, या ऑप्शन डी जनरल लो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स ऑट्रम। 1854 में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स ऑट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था। उसने कहा, अवध का
का प्रशासन बहुत दूषित तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। ऑटरम के रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था जो विद्रोहियों के हाथों मारा गया था। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेजली या ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। भारत में रेल का निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बंबई से थाने के बीच डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? ऑप्शन ए हावड़ा और श्रीरामपुर, ऑप्शन बी बंबई और थाने, ऑप्शन बी बंबई और थाने, ऑप्शन सी है मद्रास और गुंटूर या ऑप्शन डी दिल्ली और आगरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बंबई और थाने। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? ऑप्शन ए 1853, ऑप्शन बी 1850 में, ऑप्शन सी 1840 में या ऑप्शन डी 1890 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1853 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? ऑप्शन ए है ईस्टर्न रेलवे, ऑप्शन बी है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ऑप्शन सी है मद्रास रेलवे या ऑप्शन डी अवध तिरहुत रेलवे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। 1853 में बंबई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का आरंभ हुआ। प्रारंभ में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था इसका। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारतीय राज्य के क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? ऑप्शन ए डफरिन के समय में, ऑप्शन बी डलहौजी के समय में, ऑप्शन सी लिट्टन के समय में या ऑप्शन डी कर्जन के समय में। तो इसका सही उत्तर हो ऑप्शन ए डफरिन के समय में। 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध और 1 जनवरी 1886 को संपूर्ण बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। इस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी जॉर्ज ऑकलैंड या ऑप्शन डी वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के लिए बहुत सा धन व्यय किया जाने लगा। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी के समय में, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग के समय में, ऑप्शन सी है सर हेनरी हार्डिंग के समय में या ऑप्शन डी लॉर्ड लॉरेंस के समय में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग के समय में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के समय, जो 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अधिनियमित हुआ, इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के समय में प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न बालक को वैध घोषित किया जाने लगा। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, ये बताना है कि किसने सुनाया था?
ऑप्शन ए है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन सी है लॉर्ड बर्नहम ने, या ऑप्शन डी सर हरकोर्ट बटलर ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में भारत के प्रथम लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग, या ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, यह बताना है कि कहां सुनाया था। ऑप्शन ए है इलाहाबाद में, ऑप्शन बी कलकत्ता में, ऑप्शन सी है बम्बई में, या ऑप्शन डी मद्रास में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था? ऑप्शन ए 1858 के भारत सरकार के अधिनियम ने, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन सी 1860 में सनद के जारी किए जाने से, या ऑप्शन डी 1858 की साम्राज्य की घोषणा ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1858 की साम्राज्य की घोषणा ने। महारानी की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारतीय देशी राज्यों के प्रति नीति को भी व्यापक रूप से परिवर्तित किया गया और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संभावित किसी संकटापन्न स्थिति से बचाव के लिए उनका प्रयोग करने हेतु उन्हें तैयार किया गया। विजय और विलय की नीति को का पूर्णतः परित्याग कर दिया गया और देशी राज्यों के शासकों को उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति दी गई। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए 1858 में, ऑप्शन बी 1876 में, ऑप्शन सी है 1877 में, या ऑप्शन डी 1885 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1877 में। राजसी उपाधि अधिनियम रॉयल टाइटल एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। इसी प्रकार सम्राट एडवर्ड सेवन को वर्ष 1903 में तथा जॉर्ज पंचम को वर्ष 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन बी लॉर्ड एलेनबरो ने, ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, या ऑप्शन डी सर जॉन सोर ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड एलन बरो ने। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। इसका कार्यकाल 1842 से 44 ईस्वी तक था। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थाई बंदोबस्त, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेजली चतुराई पूर्ण निष्क्रियता, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, या ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थाई बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में स्थाई बंदोबस्त प्रणाली लागू की, जबकि चतुराई पूर्ण निष्क्रियता या कुशल अकर्मण्यता की नीति जॉन लॉरेंस ने, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली ने, तथा व्यपगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी से संबंध है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में 1884 से 1888 के मध्य में की थी। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसका सुमेलन नहीं है? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थाई बंदोबस्त, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी व्यपगत सिद्धांत,
या ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग, उच्चतम निष्क्रियता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग, उच्चतम निष्क्रियता। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है सर जॉन शोर या ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली, ऑप्शन सी है लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध या ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी के बीच लॉर्ड वेलेजली के काल में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में तृतीय तथा अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1888 ईस्वी हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों के पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवा की गद्दी 1818 में समाप्त कर दी तथा पश्चिमी भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश बंबई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर लिया गया। इसके अतिरिक्त कंपनी ने बुंदेलखंड, मालवा तथा शेष भारत जिसमें पेशवाओं का प्रभुत्व था पर राजनैतिक अधिकार कर लिया। अन्य तीन तीनों युग में सुमेलित है। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? ऑप्शन ए 1858 में, ऑप्शन बी है 1818 में, ऑप्शन सी है 1861 में या ऑप्शन डी 1802 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1818 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राजपुताना की देसी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बात की थी? ऑप्शन ए है डेविड ऑक्टरलोनी, ऑप्शन बी है चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन सी है आर्थर वेलेजली ने या ऑप्शन डी जॉन जॉर्जन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ल्स मेटकॉफ ने। राजपुताना रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 की अधीनस्थ संधि की वार्ता चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजपुताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता तथा मराठों और पिंडारियों के प्रति राजपुताने की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तत्कालीन रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ को वार्ताकार बनाया था। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली, ऑप्शन सी है सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध या ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में 1814 में पहला युद्ध लड़ा गया लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं मिली। 1815 ईस्वी में दूसरा युद्ध लड़ा गया, कुमाऊं में अल्मोड़ा को जीत लिया गया तथा मेजर जनरल ऑक्टरलोनी ने वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को मालवा का किला समर्पित करने के लिए विवश किया। ब्रिटिश सेना राजधानी काठमांडू से 30 मील की दूर तक पहुंच गई। 2 दिसंबर 1815 को सुगौली की संधि लेखबद्ध हुई जिसे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया। कुमाऊं, गढ़वाल और शिमला जिले के जिलों को अंग्रेजों को सौंप दिया गया। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? ऑप्शन ए लॉर्ड एलन बैरो अवध का विलीनीकरण, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध या ऑप्शन डी सर जॉन शोर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड एलन बरो ने सिंध का अंग्रेजी राज्य में अगस्त 1843 में विलय किया था। लॉर्ड डलहौजी ने कुप्रशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध का विलयीकरण कर लिया था। लॉर्ड वेलेजली ने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुई थी और लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1718-1718 के बीच में हुई थी। इस प्रकार इसका सही विकल्प ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण, ऑप्शन बी है लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम बेंटिक
चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना, या ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 के मध्य हुआ था। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड थे। लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो 1877 से 80 में हुआ था। इस प्रकार इसका सही विकल्प डी सुमेलित नहीं है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सुमेलित है। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। पूरा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस QR कोड को स्कैन करके। ठीक है, धन्यवाद।